आता है ना ये 2025 या समथिंग एसी वोल्ट या डीसी वोल्ट आता है। 22,000 एसी आता डीसी आता एसी आती है कोयले एसी बनाती है वैसे सवाल पूछते नहीं नहीं ओके एसी आता है तो इसमें लगाता है ना इसको बोलता है इसको चुनने से या इधर कहीं लीकेज होने से आदमी 90% मरने के भी चांस है। हां बिल्कुल कोई चांस नहीं ठीक है तंदूर बन जाएगा वो। अच्छा चिकन तंदूरी देखा तो इसके लिए सेफ्टी बता दीजिए कैसे निकलना है इसको कैसे लगा के दिखाओ ना थोड़ा सा ये बता दीजिए सब। अभी इसमें किसी भी ट्यूब में लगाने जा रहे हो ना तो ये ग्राउंड होती है ट्यूब के अंदर पहले इससे इसको डिस्चार्ज कर लो ओके तो करंट होगा तो चिंगारी मार के खत्म हो जाएगा। अब आप इसको ऐसे पकड़ो इसमें देखो निकले हुए है ना इसको ऐसे इस तरफ फंसाओ और दबा के उसको दूसरे वाले उस तरफ फंसा लो बल लग गया हो गया। अच्छा इसमें लगाने का नहीं होता मुद्दा होना निकालने का डिस्चार्ज करना। अब मैं तो देखो दुकानों में रिपेयरिंग करते हो लोग बहुत डरते हैं ठीक है उन्हें जिंदगी से है बहुत ज्यादा खराब तो वो तो पेचकस लेते हैं ला दो पेचकस बड़ा वाला आप किसी का तरीका भी देखोगे तो वो तो ऐसे निकालते हैं इसको डिस्चार्ज लगा हुआ है ना इस समय इसको निकालने की टेंशन होती है लगाने की नहीं होती है। इसको निकालने के लिए आप हल्के से दूर से इसको जो है ना डर डर के ऐसे करेंगे फिर इसके अंदर तार घुसेड़ लेंगे ऐसे ऐसे उठा उठाते ऐसे करके ऐसे उखड़ के घुसेड़ते हैं डिस्चार्ज करते हैं ऐसे पट्ट बोलते हैं समझ रहे अपना क्या तरीका है सीधा इस पर कैप पे रखा ये दबाया निकल गया हो गया बस वोल्टेज लीक है तो ऐसा नहीं होता वोल्टेज जिसमें लीक होती है ना उसमें दिख जाता है पहले क्या होता पहले ही दिख जाता अगर इसमें वोल्टेज लीक हो रही है मान भी लो आपका सवाल मैं मान ही लेता हूँ पहली बात तो वो दिखेगा उससे चिंगारियां लीक होंगी ये लीक है ना तो इससे चिंगारी दिखेगी आपको निकलती है भैंसा जिसमें इतना करंट होता है आंखों से दिखाई देता है क्या नमूना देखा ना आप लोगों ने जिंदा रहने की कोई गुंजाइश नहीं इतनी मोटी लहर जो है वो एक लेयर जो है आपकी खाली मैं यहाँ इससे टच भी नहीं करा मैंने ग्राउंड से दूर से ही एक इंच से ही पकड़ ली कितने एक इंच से इसमें जब ये स्टार्ट होती है ना आप टेस्टर यहाँ रख दो कहाँ यहाँ टेस्टर यहीं से जल जाएगा क्या होगा यहीं पे जल जाएगा टेस्टर छुआने की जरूरत ही नहीं है छुआने में तो टेस्टर का पता नहीं क्या होगा इनके जो वहाँ लीक हो गए तो वहाँ ऐसे देखो यहाँ करंट नहीं आता है लेकिन इसकी जो क्या बोलते हैं क्या बता रहे थे वो लोग बिजली वाले क्या बोलते हैं हाई वोल्टेज तार में जो वाइब्रेट की आवाज आती है क्या बोलते हैं थोड़ी ना डाटा को बोलते हैं तो खाली इसमें ऐसे पकड़ लोगे ना ऐसे तो कोई बात नहीं है लेकिन जब टेस्टर आप इसके ऊपर ऐसे भी कर दोगे ना इतनी दूर भी जल जाएगा वो अगर ये लीक है तो ये दिखेगा इसमें से करंट निकलता हुआ आपको आंखों से दिखाई देगा और अगर नहीं भी दिखाई दे रहा है तो अगर ये लीक भी है तो आप ये ग्राउंड की तार जो है चलते हुए साइड में थोड़ी ना आपको निकालना है ये भी तो सोचो ना बंद में निकालना है ना तो आप इसको ऐसे कर लो ना अगर यहाँ जहां भी लीक होगा तो ये वहां पे चिंगारी मार देगा समझ रहे हो ना फिर आप निकाल सकते हो आराम से कोई दिक्कत नहीं है। सर ऐसे एक एक बार सेट ऑन कर ऑन करने के बाद रिपेयर करना पड़ता है ये निकाली और किसी भी ग्राउंड से टच कर दी और उसके बाद ये टच कर दी ठीक है ये आदत बनाना पड़ेगा आपको ये हो गया आप सेफ है नहीं कभी कभी ये चलते हुए सेट से मतलब रिपेयर करना पड़ेगा उस समय यहाँ से मतलब कुछ लीकेज वगैरह क्या हो गया वो ऐसा कुछ नहीं होता। मैं एक बार बताऊं क्या हादसा हुआ मैं एक चलती हुई किट रिपेयर कर रहा था किट कैसे रखी हुई थी किट की एसटी इस तरफ थी किस तरफ इस तरफ तो मैं कुछ पेच कस रहा था क्या कर रहा था यहाँ पे पेच कस रहा था चलते में तो हुआ ये कि एसटी लीक थी मेरे हाथ पे टकराई मुझे कुछ नहीं पता लगा मैं हुआ ये कि जो पेच कस रहा था मेरी उंगली से चिंगारी शक्तिमान की तरह निकल के उस पर टकरा रही थी समझ रहे हो क्या हो रहा है मैं पेच कस रहा हूँ ना तो मैं कुछ कर रहा था मैंने देखा मेरी एक लोहे का मेरी जो उंगली है उससे चिंगारियां निकल के पेच में टकरा रही थी ये क्या पता आ गई फिर मैंने देखा अरे मैंने मेरा हाथ उस पे लग रहा है समझ रहे तो आपको हाथ नहीं जला उस समय निकल गया ना ये ट्रिक मैंने बंदे ने दिखाई थी क्या लेकर आया एक बर्तन लेकर आया बर्तन पकड़ा उस पर ऐसे उंगली करी तो बर्तन में ऐसे चिंगारियां मार रही थी लोगों को ताली बजाया अरे बाहर गया अरे टैलेंट शो में वो यही था ये मैं करके दिखा सकता हूँ है तो वैसे डर वाली बात है टेंशन होती है लेकिन ये हो सकता है बर्तन में चिंगारी होता है कि जब भी वो काम करने वाली सीट होती है वो लकड़ी की होती है जूते भी पहने हुए होते हैं तो ग्राउंड नहीं मिल रही थी मुझे क्या हो रहा था ग्राउंड नहीं मिल रही थी मैंने हाथ रखा उसकी प्लस मेरे हाथ पे टकराई तो फैलेगी फैलेगी अब ग्राउंड उधर मिली तो उस पर मार रही थी चिंगारी मेरे उंगली से ऐसा भी हो जाता है ट्रिक भी आएगी कभी ऐसे एक किट लगा लो शरीर के अंदर और स्टार्ट कर दो जो बंदा पंगा ले 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 बंदा खत्म हाँ हो जाएगा प्रैक्टिकली है ऐसा हो सकता है तो उसको छूना छूने का करंट लग जाएगा दूर से कुछ नहीं होगा दूर से उसको लगेगा अगर उसको उसको ग्राउंड मिल रही है ना और आपने अपने प्लस दे दिया उसको तो वो गया और उसने आपको छू लिया तो आप भी गए।